16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट ए जो कि है 5.3, पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं -2.2, और इसी तरह से पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4.2। ये तीन हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें कहा हुआ है कि इन तीन पॉइंट से एक ट्रायंगल बनती है। लेट्स सपोज ये एक ट्रायंगल है जो कि इन तीन पॉइंट्स से बनी ए बी एंड सी, और हमें फाइंड करने के लिए कहा दो चीज़ें कही हुई हैं। एक तो आपने ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि इन तीनों वर्टिसेस से, इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो, मतलब कि इसका डिस्टेंस, उस पॉइंट का डिस्टेंस इन तीनों पॉइंट से सेम होना चाहिए। लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है अगर, तो इसका डिस्टेंस इससे सेम है, इससे तो सेम हो सकता है ये वाला डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो सकता है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है ए पॉइंट से वो सेम नहीं होगा, तो ये फिर पॉइंट रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जो कि इन तीनों जो है पॉइंट से सेम होना चाहिए उसका डिस्टेंस। लेट्स सपोज अगर हम इसके दरमियान में पॉइंट लगाते हैं ये, तो इसका डिस्टेंस अगर देखा जाए ए से ये डिस्टेंस बनता है, पॉइंट बी से ये डिस्टेंस बनता है, पॉइंट सी से ये डिस्टेंस बनता है, मतलब कि ये ऐसा पॉइंट हो सकता है कि जो कि इन तीनों वर्टिसेस से, इन तीनों पॉइंट से जिसका डिस्टेंस सेम होगा। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट हो सकता है, और दूसरा हमने ये फाइंड करना है द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, मतलब कि जो इस ट्राइंगल ए बी सी का सर्कम सर्कल है उसका रेडियस भी हमने फाइंड करना है। तो पहले तो हम सर्कम सर्कल देखते हैं। सर्कम सर्कल क्या होता है? ये आपके सामने एक ट्राइंगल नज़र आ रही है, ए बी सी ट्राइंगल। तो हम इसको देखते हैं कि एक तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, अगर हम इस लाइन को, कोई भी एक साइड को, ए बी साइड हम पहले ले लेते हैं, ए बी साइड के परपेंडिकुलर एक लाइन लगाते हैं और वो लाइन उस जगह लोकेट हो कि ए बी साइड को वो दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, मतलब कि दो इसका मिड पॉइंट होना चाहिए। लेट्स सपोज दिस वन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी साइड, तो फिर और परपेंडिकुलर एक चीज़ के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए इस लाइन के, और दूसरा इसको दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट भी करना चाहिए। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। ये हमने एक आर्क लगाई कंपस से दोनों साइड्स पे ए बी साइड के, और इसी तरह से उतनी ही कंपस आपने खोली और बी साइड पर रख, बी पॉइंट पर रख के दोबारा से आर्क लगाई, और फिर ये इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लिया, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनको आपस में ज्वाइन कर लिया। तो ये पॉइंट, ये जो लाइन बनी है, एक तो इन दोनों को आपस में ए बी साइड को डिवाइड कर रही है दो बराबर हिस्सों में, और दूसरा ये कि इस ए बी लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और दूसरा उसके बाद हम एक और साइड पर लेंगे, बी सी साइड हमने ली, उसके दोनों साइड्स पर रख के आर्क लगाई, और फिर अब पॉइंट सी पर रख के हमने आर्क लगाई, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लिया। और जो फिर ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये बी सी साइड का परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, मतलब कि बी सी साइड को उसने दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी किया और उसके परपेंडिकुलर भी है बी सी साइड के। तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और दूसरी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो पॉइंट कहलाता है सर्कम सेंटर। ठीक है, अब इस सर्कम सेंटर के ऊपर हम कंपास रख के किसी भी एक वर्टेक्स के जितना कंपास खोल के अब हम सर्कल अगर लगा दें तो वो तीनों वर्टिसेस को टच करेगा। ठीक है, जिस तरह के आपको ये नज़र आ रहा है ये सर्कल, ये इस सर्कल को हम कहते हैं सर्कम सर्कल। ठीक है, एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से जो क्रॉस करता है वो सर्कम सर्कल बनता है। और जो हमने बनाने का तरीका भी देख लिया कि हमने कैसे बनाया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमने दो साइड या तीन साइड्स के भी लगा लें, वो जहाँ पर मीट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, वो पॉइंट सेंटर पॉइंट होगा, सर्कम सेंटर जिसे कहा जाता है। और उससे जो हम सर्कल लगाएंगे किसी भी एक वर्टेक्स के जितना डिस्टेंस ओपन करके, कंपास को ओपन करके एक सर्कल लगाएंगे, वो सर्कम सर्कल बन जाता है। अच्छा, इस फिगर में आपको सेंटर पॉइंट ओ नज़र आ रहा है, ये सर्कम सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं।
सरकम सेंटर। अच्छा अब ये सरकम सेंटर जो होता है वो हर एक पॉइंट से, हर एक वर्टेक्स से, ट्रायंगल के हर एक वर्टेक्स से उसका डिस्टेंस सेम होता है। लेट्स सपोज कि अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं ए के साथ, इस सेंटर पॉइंट को ए के साथ ज्वाइन करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस बनता है वो बराबर होगा इस डिस्टेंस के जो मैंने दूसरे वर्टेक्स के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट किया। ठीक है, ये यानी कि ए ओ विल बी इक्वल टू, ए ओ जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा ओ बी के या बी ओ के। ठीक, तो इसी तरह से थर्ड वर्टेक्स जो है सी को अगर हम ज्वाइन करें तो वो जो डिस्टेंस बनता है वो भी इक्वल होगा बिल्कुल इसके। ठीक है, ये इस पॉइंट के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया। अगर ये स्ट्रेट लाइन लगाएं और इनके डिस्टेंसेस आप मेजर भी करें तो ये बिल्कुल इक्वल होंगे, क्योंकि सरकम सेंटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हर एक वर्टेक्स से, ट्रायंगल के हर एक वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस पे होता है। अच्छा अब हम देखें तो हमें क्वेश्चन में भी एक ऐसा ही पॉइंट रिक्वायर्ड था जो कि इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हो। तो ये एक रिक्वायर्ड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो हम इस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं कि एज द कंडीशन गिवन के ये बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पे होगा, ए ओ जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू बी ओ, और ये तीसरा डिस्टेंस जो है सी ओ, ये तीनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होंगे। तो हम इनसे जिस तरह से हमने कल एक पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें इसी तरह की तीन इक्वालिटीज़ थी, उनको हम दो इक्वालिटीज़ में चेंज कर सकते हैं कि ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, सॉरी ये बी ओ है, बी ओ, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। और हम कह सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, सही। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ए ओ कैसे आएगा। ए ओ जो है वो डिस्टेंस है पॉइंट ए से सेंटर पॉइंट तक। ठीक है, तो हमने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो कि डिस्टेंस फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स जो हमें गिवन थे क्वेश्चन में 5.3, और ओ के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं जो कि हमें गिवन नहीं है, हमने इन जनरल ले लिए हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो हम इसको फाइंड करते हैं, एक्स डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और उनका स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस आ जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट्स देखें तो इसका वाई है और इसका थ्री है, वाई माइनस थ्री का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये आ गया ए ओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू बी ओ है, तो बी ओ भी हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे माइनस टू कॉमा टू, इस पर भी हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेते हैं, एक्स माइनस टू जो है उसका कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट बी का, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट्स में आ जाएगा y माइनस टू का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, हम ये अभी इक्वेशन नंबर वन लेके चल रहे हैं। अच्छा अब इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व करना है हमने इस इक्वेशन को। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट्स हैं, होल स्क्वायर रूट्स हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट्स को कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये भी स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, जो हमारे पास पीछे इक्वेशन बचेगी एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर थ्री का इसे नाम दे देते हैं और फिर इक्वेशन नंबर टू को हम लेकर चलते हैं। इक्वेशन नंबर टू हम लेके आएंगे, इक्वेशन नंबर टू में क्या था,
ए ओ इज़ इक्वल टू सी ओ, ए ओ हमारे पास कैसे आएगा, ए ओ जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन ए पॉइंट एंड द ओ पॉइंट, तो उसी डिस्टेंस फार्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे जो कि हमने ऊपर ये कैलकुलेट किया, ठीक है। उसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं एक्स माइनस फाइव का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वेयर, ठीक। और इसका स्क्वेयर रूट था ए ओ डिस्टेंस, फिर इज़ इक्वल टू सी ओ, सी ओ कहाँ से आएगा, सी और पॉइंट ओ के दरमियान का डिस्टेंस, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स जो हमें गिवन थे 4.2, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 4, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, तो एक्स माइनस 4 का स्क्वेयर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स, वाई माइनस 2 का स्क्वेयर और उसका स्क्वेयर रूट। अच्छा, अब इसके स्क्वेयर रूट्स ख़त्म करते हैं, दोनों साइड्स पे स्क्वेयर लेना पड़ेगा स्क्वेयर रूट्स ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमने इक्वेशन को मज़ीद सिंपलीफाई करना है। अच्छा, एक्स मा ये स्क्वेयर स्क्वेयर से फिर कट जाएगा, ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कट जाएगा, पीछे जो बचेगा एक्स माइनस फाइव का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वेयर, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते हैं। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर जो 3 थी वो क्या है, इक्वेशन नंबर 1 की सिंपलीफाइड फॉर्म, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 4 जो है वो क्या है, इक्वेशन नंबर 2 की सिंपलीफाइड फॉर्म। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखें तो उसकी दोनों लेफ्ट हैंड साइड्स एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वेयर, और फोर्थ इक्वेशन की भी लेफ्ट हैंड साइड एक्स माइनस फाइव का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वेयर, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड्स जो हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 की इक्वल हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि उसकी राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी, तो उनको आपस में कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन 3 और 4 को, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अब हमारे पास क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड्स तो इक्वल हो गई, तो राइट हैंड साइड्स भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं एक्स प्लस टू का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वेयर। अच्छा, अब हम इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, एक्स प्लस टू का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वेयर, वाई माइनस टू का होल स्क्वेयर यहाँ पर प्लस हो रहा है, उस साइड पे लेके जाके हम इससे माइनस कर देते हैं, तो एक्स प्लस टू का स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एक्स माइनस फोर का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वेयर, ये वाला आया, और हम लेफ्ट साइड से जो राइट साइड पे ये लेके आएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा वाई माइनस टू का होल स्क्वेयर, एक प्लस का प्लस की टर्म है और एक नेगेटिव टर्म है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल भी हैं और ऑपोजिट साइंस में हैं, तो हमारे पास जो बाकी बचेगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एक्स माइनस फोर का होल स्क्वेयर। अब इसको स्क्वेयर ओपन करते हैं तो इस पे लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक्स का स्क्वेयर बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, मतलब कि टू का स्क्वेयर प्लस टू ए बी, टू इंटू ए जो है हमारे पास एक्स है और बी जो है हमारे पास टू है। इसी तरह राइट हैंड साइड पे ए माइनस बी का होल स्क्वेयर का फार्मूला ओपन करेंगे, एक्स का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर फोर का स्क्वेयर माइनस टू इंटू ए जो है हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास फोर है, ठीक। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस टू का स्क्वेयर बन जाएगा फोर प्लस टू इंटू टू फोर एक्स इज इक्वल टू, ये भी एक्स स्क्वेयर प्लस फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन माइनस फोर टू ज़ा एट एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर ये है, अगर इसको मैं उस साइड पे लेकर जाऊँ तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एक्स स्क्वेयर वहाँ जाके हो जाएगा और ये पॉजिटिव पहले से मौजूद है, तो इसको यहीं पे हम पहले कैंसिल कर देते हैं, और बाकी जो हमारे पास
टर्म्स बची, उन दोनों को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, 4 प्लस 16 प्लस, बल्कि प्लस 16 नहीं होगा, यहाँ पर आके माइनस 16 हो जाएगा, 4 माइनस 16 प्लस 4x जो कि पहले से यहाँ मौजूद है, और ये जो 8x है यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर आके प्लस 8x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 4 माइनस 16 माइनस 12 और 4x प्लस 8x इज़ 12x। ये माइनस 12 वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और ये 12x पहले से यहाँ पर मौजूद है, और 12x हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर सिर्फ हम x को रहने देंगे और बाकी जो 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो वहाँ जाकर डिवाइड कर देते हैं, और 12 12 से कैंसिल होगा तो x की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। अब हमने x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, हमने y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू कैसे आएगी, हम किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं x की वैल्यू 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, मैं दोबारा से इक्वेशन लिख देता हूँ, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन, y माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसमें हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y तो उसी तरह रहेगा क्योंकि अभी तक हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सके, 1 x की जगह 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 5 इज़ माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। अच्छा, माइनस 4 का स्क्वायर तो आ जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4 इज 16, और इस पे स्क्वायर होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो वो अप्लाई कर देते हैं, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से राइट साइड पे आएँ तो 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर a माइनस b का स्क्वायर होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab 4y। ये हमारे पास इक्वेशन बनी। अब यहाँ से हमने y फाइंड करना है, तो देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी y स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पे भी y स्क्वायर है, दोनों प्लस हैं, तो एक को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो नेगेटिव हो जाएगा और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हम यहीं पर इसको कैंसिल कर देते हैं, और ये प्लस 9 भी इसी तरह आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो पीछे वैल्यूज़ बची हैं माइनस 6y, और यहाँ पर जो माइनस 4y है वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे हम ले आते हैं, जो कि प्लस 4y हो जाएगा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर पहले से 4 मौजूद है और यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड से 16 है वो हम राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे, तो माइनस 16 बन गया। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस 6y प्लस 4y इज़ माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 16 इज़ माइनस 12। अच्छा, अब y के साथ माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं और डिवाइड कर देते हैं, माइनस 12 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इज़ इक्वल टू, हमें क्या आंसर देगा, y इज़ इक्वल टू 6। x की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, अब ये y की वैल्यू 6 आ चुकी है, तो मतलब हमें ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड थी, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो कि सर्कम सेंटर था, तो दस द पॉइंट ओ जो था 1.6 बनेगा, तो वहाँ पर भी हम फिगर में लिख देते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स, ये जो x कॉमा y है 1.6 था।
अच्छा, अब एक और पार्ट था इस क्वेश्चन का कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ए बी सी ट्राइंगल। ठीक है, मतलब कि ये जो ए बी सी ट्राइंगल बन रही है, इसका जो सर्कम सर्कल है उसका रेडियस भी हमने फाइंड करना है। तो वो रेडियस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस सेंटर से, ये सेंटर जो है सर्कम सेंटर, ये इस सर्कल का भी सेंटर है। ठीक, तो इस सेंटर से किसी भी एक पॉइंट जो के सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है उस तक डिस्टेंस हम कैलकुलेट करें तो वो रेडियस होता है। तो रेडियस हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि ए पॉइंट जो है ये, या फिर सी पॉइंट, या फिर बी पॉइंट, कोई सा भी एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम ए पॉइंट लेते हैं, उसका डिस्टेंस ओ पॉइंट तक कैलकुलेट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस जो होगा ये रेडियस कहलाएगा, रेडियस। तो उसी डिस्टेंस फार्मूला से हम फाइंड करेंगे ए ओ, या ओ ए डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ओ ए डिस्टेंस वो किसके बराबर आएगा, ए पॉइंट और एक्स, जो ओ पॉइंट है उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, मतलब कि एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, वाई माइनस थ्री का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अच्छा, अब एक्स हमारे पास जो हम फाइंड कर चुके हैं वो वन है, वन माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, सिक्स माइनस थ्री का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस फोर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिक्सटीन प्लस सिक्स माइनस थ्री इज़ थ्री, थ्री का स्क्वायर इज़ नाइन, सिक्सटीन प्लस नाइन इज़ 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस फाइव होता है, लेकिन हम प्लस फाइव कंसिडर करेंगे क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। प्लस फाइव इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। तो ये हमारे रिक्वायर्ड था, हम फाइंड कर चुके हैं।